नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। और ये हमारा रीट लेवल टू साइंस का चौथा वीडियो बना है अभी। तरंग का रीट लेवल टू साइंस का कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और इस लेवल टू में हमने ये चौथा वीडियो, अभी तक तीन वीडियो बन चुके हैं। तरंग का बेसिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट फर्स्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट का सेकेंड। तो यहाँ पर देखो एक बार हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग होती है यांत्रिक, अयांत्रिक और द्रव्य तरंगें। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर दो तरह की तरंग होती है, ट्रांसवर्सल या अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या लोंगिट्यूडनल, और ऊर्जा संचरण के आधार पर परगामी और अपरगामी तरंगें। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग और उसके बाद पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है सबसे पहला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना क्या था, कंपन के आधार पे। जैसे ये माध्यम है और ये माध्यम के कण है, ये हमने बोल दिया माध्यम के कण है। अब देखो माध्यम के कण को ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलते ही क्या करता है, जैसे किसी को भी एनर्जी मिली तो क्या करता है, कंपन करेगा। तो माध्यम कण यदि कंपन कर रहा है ऐसे ऊपर और नीचे, ये ऐसे जो कंपन करेगा और एनर्जी किसको दे देगा, आगे को। ये ऐसे जो कंपन करेगा एनर्जी किसको दे देगा, आगे वाले कण को। ये कंप करेगा एनर्जी, ध्यान रखना माध्यम के कणों का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ट्रांसफर किसका हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का। ये कंपन करेगा एनर्जी आगे वाले को, ये कंपन करेगा एनर्जी आगे वाले को। ध्यान रखना एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। माध्यम कण कंपन कैसे कर रहे हैं, देखो ऊर्जा कैसे ट्रांसफर हो रही है, ऊर्जा आगे की ओर। जिधर ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है वो भी तो तरंग की दिशा ही होती है, ध्यान रखना तरंग की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर ऊर्जा जा रही है। इसका मतलब ये माध्यम का कण है और ये कंपन कैसे कर रहा है, ऊपर और नीचे ऐसे कंपन कर रहा है, और तरंग की दिशा क्या हो गई, तरंग की डायरेक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूं इसको, यदि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा या कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो, 90 डिग्री, देखो यदि माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो तो इस तरह की तरंगों को ट्रांसवर्सल वेव या अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। बस इतनी सी बात, ध्यान क्या रखना है, एग्जाम्पल हमको उदाहरण ध्यान रखने हैं। और उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका प्रकाश। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, माध्यम के कणों के कंपन यदि तरंग की दिशा के लंबवत हो तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बस अभी आप बस इतना सा ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, माध्यम के कणों के कंपन तरंग की दिशा के लंबवत है। दूसरा हमने देखा यहां पर अनुदैर्ध्य तरंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, देखो ये माध्यम है और माध्यम के कण है, इनको ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलते ये कंपन ऐसे जो कर रहा है, ऐसे कंपन करके कण अपनी जगह पे आ जाएगा और अगले वाले को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। ये कंपन करेगा और एनर्जी अगले वाले को ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब ट्रांसफर एनर्जी हो रही है और कण कंपन कैसे कर रहे हैं ऐसे, इसका मतलब ये कोई पार्टिकल है और ये कंपन ऐसे जो कर रहा है, और तरंग की दिशा भी किधर है, इधर तरंग की दिशा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि माध्यम के कणों के कंपन तरंग की दिशा के समांतर हो, यहां पर क्या है कंपन कैसे है, तरंग की दिशा के समांतर कंपन, और ऊपर ऊपर क्या था, यहां पे तरंग की दिशा के लंबवत कंपन, लंबवत कंपन, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण है इसका ध्वनि। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ये हमने बातचीत कर लिया, अब पता कैसे लगेगा कि कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य है कौन सी अनुप्रस्थ है। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक के माध्यम से हमको पता लग जाएगा। देखो तरंग है, एक बार आप इसको ट्रिक के साथ ध्यान रखना,
ट्रिक बोल सकते हो या ध्यान भी रख सकते हो। हमारे पास दो तरंगे हैं, अनुप्रस्थ और मान लो बार अनुदैर्ध्य। इंपॉर्टेंट है ट्रिक भी, ध्यान ट्रिक मान लो या इंपॉर्टेंट मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितनी भी अनुप्रस्थ तरंग है, चलो आप इसको 1 मिनट, तो बच्चों देखो यहां पर हम ध्यान कैसे पड़ेगा हमको कि कौन सी तरंग अनुप्रस्थ है कौन सी अनुदैर्ध्य है। तो मैं एक यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। जैसे मान लो हमने तरंग हमने एक बार मान लो कि हमने दो तरीके से बांटा, यांत्रिक था और अयांत्रिक था। अयांत्रिक इसको हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोला था, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जितनी भी, देखो आप एक ट्रिक ध्यान रखना, जितनी भी अयांत्रिक तरंगे होती है सारी की सारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जितनी भी यांत्रिक तरंगे होती है सारी की सारी अनुप्रस्थ तरंगे। इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। जैसे अगर आप बोलते कि रेडियो तरंगे कौन से तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। पराबैंगनी तरंगे कौन से तरंगे हैं, अनुप्रस्थ। जितनी भी अयांत्रिक तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सारी की सारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और यांत्रिक तरंगे है वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य भी हो सकती है। आप बोलोगे सर हमको एग्जाम्पल देके बताओ, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा, चलो अपन एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको हमने कोई रस्सी पकड़ा दी हाथ में और रस्सी को बोला कि आप जो झटका दो रस्सी को, तो इस तरह का पैटर्न आता है। तो बताओ ये वाले यांत्रिक है या नहीं है, यांत्रिक तरंग है ना, लेकिन कौन सी तरंग है ये, मतलब अनुप्रस्थ तरंग है देखो और यांत्रिक तरंग। मान लो कि कोई स्प्रिंग लटकी हुई है, स्प्रिंग लटका रखी है और इस स्प्रिंग पे हमने कोई वजन लटका दिया, कोई भी वेट, और इस वेट को हमने खींच के छोड़ा, तो ये कैसे कंपन करेगा, ऊपर और नीचे कंपन करेगा। तरंग भी, एनर्जी भी इधर जा रही है और कंपन भी इधर है। यहाँ पे कंपन ऊपर नीचे हो रहा है, कंपन कैसे हो रहा है, ऊपर और नीचे, लेकिन एनर्जी किधर जा रही है, आगे। यहाँ पे कंपन और एनर्जी की दिशा एक ही है। तो ध्यान रखना बच्चों, जितनी भी यांत्रिक तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है अनुदैर्ध्य, लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी अयांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यहाँ पे नोट लिखा देता हूँ, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट भी लिख लो, बहुत यहाँ पे नोट लिख लो, और इस नोट से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। नोट ये लिखना, सभी अयांत्रिक तरंगे, सभी अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। छोटा सा नोट है लेकिन आपके क्वेश्चंस इसमें 100% बनेगा ही बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अभी तक हमने तीसरा पार्ट लेते हैं हम, कि ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के, यहां पर मैंने दो तरंगे बताई थी, पहली बताई थी परगामी तरंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवलिंग वेव, और फिर था अपरगामी तरंग। देखो परगामी तरंग क्या होती है, परगामी तरंग, बस इतना सा ध्यान रखना, वे तरंगे जिनमें ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा का, ये बोल दो, ऊर्जा का संचरण या ट्रांसफर या स्थानांतर, कुछ भी वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना, वे तरंगे जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उन्हें परगामी तरंगे कहते हैं। हमने जितनी भी तरंगे पढ़ी है, प्रकाश पढ़ा, ध्वनि पढ़ा, जितने भी तरंगे हैं, जैसे सतही तरंगे पढ़ा, भूकंप तरंगे पढ़ा, जितने भी हमने तरंगे पढ़ी है वो सारी सारी कौन सी तरंगे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, ये कोई व्यक्ति है, इसके हाथ में कोई रस्सी दे दी और ये रस्सी को झटका दे रहा है, तो कौन सी तरंगे, एनर्जी आगे आगे जा रही है ना, तो
ऐसी तरंगे जिनमें एनर्जी आगे जाती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, उन्हें प्रगामी तरंगे कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। देखो अभी तक मैंने तरंगे पढ़ाई है, सारी प्रगामी तरंगे पढ़ाई है, ध्यान क्या रखना है, अप्रगामी तरंगों को, अप्रगामी तरंगों का ध्यान रखना है। तो सेकेंड है अप्रगामी तरंगे क्या होती है, अप्रगामी तरंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेशनरी वेव बोलते हैं। देखो होता क्या है, बस डेफिनेशन बता रहा हूं, वे तरंगे जिनमें ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता, ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अप्रगामी तरंग। जैसे मान लो कि मैंने कोई पांच बच्चे हैं, उनको मैंने दूर दूर खड़ा कर दिया, कोई पांच स्टूडेंट है उनको मैंने दूर दूर खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि आप अपने जगह पे क्या करते रहो, आप अपने अपनी जगह पे जंप करते रहो, तो आप जंप करते रहो अपनी जगह पे, तो मेरे को बताओ यहाँ पे ऊर्जा है क्या, एनर्जी तो है लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, सिर्फ ऊपर नीचे अपनी जगह पे ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है क्या, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, एनर्जी तो होगी लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो कि मैंने बताया था एक लाइन बनी हुई है और सब बच्चे उस सटाके खड़े हुए, एक दूसरे से सटके खड़े हुए पूरे, अगर एक शैतान बच्चा है पीछे धक्का देता है तो वो धक्का आगे तक जाता है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। साइकिल वाला एग्जाम्पल बताया था, 100 साइकिलें हैं मान लो, बहुत सारी साइकिलें सटाके खड़ी हुई एक दूसरे से, अगर एक साइकिल गिरेगी तो सभी साइकिलों को गिरा देगी, तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट अपने पास है, दो कोई विद्यार्थी है, इन दो विद्यार्थियों को हमने कोई एक रस्सी दी, हमने बोला कि आप एक साथ झटका दो रस्सी को, तो आप देखना अगर अकेले विद्यार्थी के पास कोई रस्सी है और वो अकेला कोई अगर एक विद्यार्थी है वो रस्सी को पकड़ के झटका देगा तो इस तरह का पैटर्न आएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह का पैटर्न नहीं आता, यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न आता है, जैसे एक बार रस्सी ऊपर होगी, सॉरी एक बार, जैसे इसमें पैटर्न इस तरह का आएगा, जैसे रस्सी एक बार ऐसे इस तरह का पैटर्न आएगा, रस्सी इधर ऊपर नीचे होती रहेगी ऐसे, ऐसे ऐसा रस्सी ऐसा करेगा जैसे कोई रस्सी डांस कर रहा है, आपने देखा होगा कोई आप घर में कोई कंबल या बेडशीट झटकाते हो दो जने पकड़ के, तो ऐसा लगता है जैसे बेडशीट डांस कर रही हो, यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे कोई रस्सी डांस कर रही हो, पैटर्न ऐसा आएगा। इसलिए ध्यान रखना इस अप्रगामी तरंग को डांसिंग वेव भी बोलते हैं, डांसिंग वेव इसको बोलते हैं, डांसिंग वेव भी बोलते हैं, ये नहीं कि मैं बताते नहीं, बोलते हैं रियल में इसको, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से पता लगा नहीं, इसको डांसिंग वेव भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आपको पता लग गया कि अप्रगामी तरंगे वो तरंगे होती है जिनमें एनर्जी आगे नहीं जाती। अब चलो उदाहरण की बात कर लेते हैं, मान लो कि कोई दो हमने कील लगा रखी है कोई, और वहां पर हमने कोई एक कोई रस्सी कोई तार बांध दिया हमने, कोई पतला तार है और दो कोई कील लगा रखी है और हमने कोई एक तार बांध दिया, इस तार को नीचे दबा के छोड़ो तो आपको पता है कि तार ऐसे कंपन करेगा, तार ऐसे कंपन करेगा, तार ऊपर नीचे कंपन करेगा, तो ये बताओ किसका उदाहरण है, ये अप्रगामी तरंग। तो तार में कौन सी तरंगे उत्पन्न हो गई, अप्रगामी तरंग। अब ये तार आपको कहां कहां दिखाई देता है, जैसे सितार, गिटार, फिर आपने देखा होगा तंदूरा देख लो, सितार देख लो, गिटार देख लो, वीणा, जितना भी है इसमें ऐसा है। अब देखा होगा जैसे ये कोई ये मैं बना रहा हूँ, ये वायर लगे होते हैं यहाँ पर, अगर आप इस सितार में गिटार में अगर तार को दबा के छोड़ते हो तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो अप्रगामी तरंग। अगर आपको बोल दे कि सितार के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, अप्रगामी तरंगें,
अब इसमें अगर आप इसको दबा के छोड़ते हो तो यहां से ध्वनि भी निकलती है ना, तो वो ध्वनि कौन सी तरंग है? परगामी तरंग। तो ध्यान रखना, सितार के तार में अपरगामी तरंग उत्पन्न होती है, लेकिन उसे निकलने वाली ध्वनि कौन सी तरंग है? प्रगामी तरंग है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पहला बताया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल देखो। हम देखा होगा पाइप, देखा होगा, अगर पाइप में अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे आवाज देते हो तो ये आवाज यहाँ से निकलती है, और देखा होगा आवाज थोड़ी गूंजती भी है, तो पाइप के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? अप्रगामी तरंग। बस इतना ध्यान रखना एक बार, पाइप के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? अप्रगामी तरंग। इस पाइप का उदाहरण क्या हो जाएगा? देखो पाइप से क्या क्या बन गया, बांसुरी बन गई ना, बांसुरी, इस तरह की बांसुरी बन गई, हम देखा होगा। तो ये बांसुरी ध्यान रखना, बांसुरी में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? अप्रगामी तरंग। बांसुरी से साउंड भी निकलता है, ध्वनि भी निकलती है, तो ये साउंड वेव निकलती है जो बांसुरी से, वो कौन सी तरंग है? प्रगामी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो बच्चों मैंने आज पूरा आपको एक आइडिया दे दिया है कि आज हमने ये देखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पार्ट है ये तरंग का। इसमें तरंग के जितने भी पार्ट हो सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस किए। तो कल मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। देखो ये तीन वीडियो यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहले हमने विद्युत चुंबकीय तरंगें देखी क्या होती, फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे, और उसके बाद हमने देखा कि भेदन क्षमता है तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड। फिर हमने तरंग के जो जो पार्ट बचे थे वो हमने कंप्लीट किए। अब देखो, अब आपके तरंग का जो अभी इसमें लास्ट पार्ट बनेगा वो पार्ट नंबर 5 है, इसमें मैं आपको शब्दावली सिखाऊंगा। ये मान लो घंटे भर का वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर अपने जितनी भी टर्म्स होती है, जैसे आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है, श्रृंख क्या है, गर्त क्या है, ठीक है, वेग क्या होता है तरंग का, ठीक है, और इस तरह के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, आवर्तकाल क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपका तरंग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपका तरंग कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कम से कम 70% आपका ध्वनि और प्रकाश। कई बच्चों को लग रहा है कि सर ये सिलेबस में है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 100% आपके सिलेबस में है, प्रकाश आपके सिलेबस में और ध्वनि आपके सिलेबस में, और ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंग है, इसलिए ध्वनि और प्रकाश पढ़ने के लिए तरंग पढ़ना पड़ेगा। तो आप मान के चलो अगर आप तरंग पढ़ लेते हो तो प्रकाश और ध्वनि का आपका 70% कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरा कोशिश यही रहता है यहाँ पर कि आपको जितना ज्यादा ज्यादा मैटर दूं यहाँ पर। बाकी अगर आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।